साथियों नमस्कार, मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, आज मैं फर्श से अर्श तक के बीच में आप सबके बीच पुनः एक बार जो जनक जी की विलाप की कारुणिक पंक्तियां कल जो आपके समक्ष मैंने रखी थी, जिस पे आप सभी ने बड़े ही स्नेह से देखा है और लाइक किया है, शेयर किया है, आज पुनः मैं उसी के सेकंड पार्ट में कुछ पंक्तियां कवि के द्वारा कही हुई, लिखी हुई आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इससे एक सीख भी मिलती है, ये मोटिवेशन भी है इस बात का कि जब हम कोई काम करते हैं तो निश्चित उस काम के पीछे हमारी आशा होती है कि भगवान ये काम हमारा अवश्य पूरा करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम कोई भी काम शुरू करते हैं, चाहे वो जीवन का कोई भी छोटा या बड़ा काम हो, सभी में हम आशा यही रखते हैं कि हमारा ये कार्य संपूर्ण होगा, पूरा होगा, हमें इसमें सफलता मिलेगी। लेकिन कभी अगर ऐसा नहीं हो पाता, उस पर जनक जी ने जब अपने विलाप में कुछ चीजें कही हैं, उन्हीं पंक्तियों को मैं आपके समक्ष दोहराना चाहता हूं अपने शब्दों में। आप सब सुने, समझें और पसंद आए तो शेयर भी करें। पंक्तियां इस प्रकार हैं। जब मृत्यु बन गई जीवन आशा, तो चला गया प्रण ये मन मेरे, मन मंदिर में अवगत गाने, अरी निराशा हर्ष मना ले। जब आशा नहीं पूरी हुई, निराशा में बदल गई, तो कवि कहता है, जनक जी का कहना है, अरी निराशा हर्ष मना ले, आशा के उजड़े आंगन में हंस हंस घृत के दिए जला ले, अरी निराशा हर्ष मना ले, अरी निराशा हर्ष मना ले, आशा के अनुपम उपवन में ये कैसी तू पतझड़ लाई, सूख रहा मन प्रण प्रसून ये, इसे देख तू मन मुस्काई, और हार रहा ये योगी, ये परीक्षार्थी जो परीक्षा दे रहा था, हार रहा ये योगी, और तू गीत विजय के गाले, अरी निराशा हर्ष मना ले, अरी निराशा हर्ष मना ले। इस प्रकार साथियों, आशा के साथ जब निराशा मिलती है तो लोग निश्चित दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जिस प्रकार से दादा जनक परेशान हुए और हम सब भी परेशान होते हैं अपने जीवन में। फिर उम्मीद और आशा के साथ में आगे हम लोग प्रयास करते हैं, और उसमें किसी कवि की पहले भी पंक्तियां कहेंगे, जब ऐसा होता है, असफल होते हैं, तभी आशाएं निराशा में परिवर्तित होती है। तो फिर वही कहा गया है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। इसलिए फिर उस कार्य को करिए, बार बार करिए, जब तक सफल न हुई तब तक उस कार्य को करते रहिए, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।